हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये प्यारा सा पोचो बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ठंड अब बढ़ने लगी है तो बहुत प्यारा ये फ्लावर वाला पोचो बनाया है। ये देखिए रोज़ फ्लावर इसमें हमने बनाए हैं। बहुत प्यारी डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन बनके ये तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा कंप्लीट हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। और ठाकुर जी को इसमें ये पूरे कवर हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऑल साइज़ का मैंने इसमें बनाना बताया है, चार्ट भी दिया है, आप इसको देखिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। छोटे से लेके बड़े तक के लड्डू गोपाल के लिए आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लड्डू गोपाल के लिए पोचो बनाएंगे और उसके बाद हम ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है तो अब पोचो बनाएंगे, जिसे आप ड्रेस में हैवी ड्रेस में डाल सकते हो। तो उसके लिए हमने ये बेबी वर्धमान ऊन ली है और अब इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए हमें सबसे पहले नॉट लगानी रहेगी। नॉट लगाने के लिए हम ऐसे करके, और ये मैंने 2.5 mm की क्रोशिया हुक ली है। अब हमें ये देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ से हमें ये नॉट लगा लेनी है। ये नॉट लगा ली मेरी, ये नॉट बन गई है जैसे आप देख रहे हो। अब इसी में हमें चेन बनाना रहेगा। तो हम वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, फिर ऐसे डालेंगे थ्री चेन, फोर चेन, फाइव चेन, सिक्स चेन। तो हम इसमें 24 चेन ले लेते हैं। तो देखिए 24 चेन ले ली है। अब जो फर्स्ट वाली चेन थी इसमें ले जा करके हमें ज्वाइन करना है। हम इसमें ले जा करके और स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब इसमें हमें सबसे पहले चेन बनाएंगे, ऐसे वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन। थ्री चेन बनाने के बाद इसी में ले जा करके हमें डबल क्रोशिया बनानी है, वन टाइम डबल क्रोशिया। तो ये मेरी चेन उसी में चेन है और फिर उसी में हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें डबल क्रोशिया हर चेन में वन वन टाइम बनाना है और 13 वाले में हम ले जा करके हमें टू टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो देखिए हम इसमें हर चेन में जाके वन वन टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और 13 वाले में हमें डबल बार करना है। थर्टीन वाले चेन में हम जाएंगे और यहाँ पे डबल बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टाइम डबल क्रोशिया एंड फिर इसी में टू टाइम डबल क्रोशिया। टू टाइम डबल क्रोशिया कर ली। अब जस्ट बगल वाले में हमें वन वन टाइम डबल क्रोशिया करना है, वन टाइम डबल क्रोशिया। अब देखिए हम यहाँ पे
लास्ट वाले में आएंगे जहाँ पे हमने थ्री चेन बनाई है। थ्री चेन वाले में 1, 2 एंड 3, थ्री वाली चेन में ले जाकर के यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे 1 चेन 2 चेन एंड 3 चेन, थ्री चेन लेनी है। और थ्री चेन लेने के बाद हम यहाँ पे मिड में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये मेरी चेन मिला के 2 टाइम डबल क्रोशिया हुई। अब 1 चेन एंड 2 चेन लेंगे और फिर से मिड में यहाँ डालेंगे और यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया 2 टाइम बना लेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशिया एंड 2 टाइम डबल क्रोशिया, इस तरह से, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो इंक्रीज हमें केवल यहाँ पे करना है और लास्ट में जहाँ हमने 2 इंक्रीज किए वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया में हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, 13 वाले चेन में। अब फिर से हम यहाँ पे 1 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए हम यहाँ मिड में आ गए हैं जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया 2 टाइम करी है। अब यहाँ पे हमें ये जो होल है इसके अंदर ही डालना है ऐसे करके, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया की, फिर 1 चेन 2 चेन और फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 टाइम। टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो हमें साइड वाले में हमें 1 1 डबल क्रोशिया हर चेन में करना है और इंक्रीज हमें मिड में करना है, यहाँ पे करना है और लास्ट वाले में। तो अब ये 1 1 पहले डबल क्रोशिया कर लेते, लास्ट में आते फिर आपको बताते। तो देखिए हमने ये कर दिया। अब हम ये 3 चेन में आएंगे, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करनी है, 1 1 2 एंड 3, थ्री वाली चेन में हमें लास्ट वाले में ले जाना है, यहाँ स्लिप स्टिच करनी है। फिर 1 चेन लेंगे 2 चेन लेंगे एंड 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद जो जस्ट बगल में हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। बनाने के बाद हम ये मिड में जो होल है यहाँ पे ऐसे हुक को डालेंगे और यहाँ से फिर से हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम बनानी है, फिर इसी में डालेंगे तो 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चेन लेंगे 2 चेन लेंगे और फिर इसी होल में डाल के फिर से हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम एंड उसी में फिर 2 टाइम। तो इस होल में हम 4 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है और फिर से हमें हर चेन में जाके 1 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, 1 डबल क्रोशिया फिर 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थे, यहाँ से हमने यहाँ पे लास्ट में आ गए और ये मिड में आने के बाद फिर से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम डबल क्रोशिया, फिर
जस्ट बगल में फिर से वन टाइम डबल क्रोशिया, तो ये टू टाइम डबल, हमने टू डबल क्रोशिया के ऊपर हमने वन वन डबल क्रोशिया कंप्लीट की। अब ये इस होल में हमें डालना है और फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया वन टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस होल्ड में डालेंगे फिर से, तो ये मेरी टू टाइम डबल क्रोशिया, फिर वन चेन एंड टू चेन। टू चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया वन टाइम डबल क्रोशिया एंड फिर से इसी होल में टू टाइम डबल क्रोशिया। तो हर राउंड में हमें टू टू फोर डबल क्रोशिया हमारी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज जब होगी तो हम इधर जब आएगी तो हम उसमें डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये मेरे ऐसे करके इंक्रीज होता जाएगा और ये ऐसे करके जो कहते हैं पोचू है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम फिर से वन वन डबल क्रोशिया हर चेन में जाके कंप्लीट करेंगे। तो हम ऐसे करके यहाँ आ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए लास्ट में आ गए वन चेन टू चेन थ्री चेन, और थ्री चेन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर हम वन चेन लेंगे टू चेन लेंगे एंड थ्री चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद यहाँ पे हम फिर से वन डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर वन डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमें ऐसे करके वन डबल क्रोशिया करना है और एक इसके ऊपर कर लेंगे। अब मिड में हम फिर से डबल क्रोशिया टू टाइम डबल क्रोशिया चेन टू टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, चेन टू टाइम डबल क्रोशिया। करने के बाद अब फिर से देखिए हम जो डबल क्रोशिया मिड में थी उसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया वन वन टाइम कंप्लीट करना है। तो हर चेन में जाके हमें वन वन टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। इंक्रीज़ केवल हमें मिड में करना है, और जितनी भी डबल क्रोशिया ये दिख रही हैं इसमें हमें वन वन टाइम इंक्रीज़ करना है। वन वन टाइम हर चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया वन वन टाइम कर लेना है। तो हम ऐसे करके राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने के बाद अब ये जो थ्री चेन है वन टू थ्री, थ्री वाली चेन में हमें यहाँ ले जाके स्लिप स्टिच कर लेनी है। करने के बाद फिर से हम थ्री चेन लेंगे वन टू एंड थ्री। अब थ्री चेन लेने के बाद हमें जस्ट बगल वाली चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में जाके पहले हम डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। हर चेन में जाएंगे और डबल क्रोशिया वन टाइम बनाएंगे, फिर देखिए वन टाइम बनाएंगे। अब ये मिड में देखिए होल आ रहा है, यहाँ पे हमें बनाना है। तो हम फिर से यहाँ डबल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे, फिर टू चेन, अब वन चेन एंड टू चेन। टू चेन बनाने के बाद फिर से इसमें हम डबल क्रोशिया टू टाइम बना लेंगे, वन टाइम डबल क्रोशिया एंड टू टाइम डबल क्रोशिया। इस तरह से कंप्लीट किया। अब हम देखिए जस्ट बगल में हमें यहाँ चेन पे पहले बनाना है डबल क्रोशिया वन टाइम। हर चेन में जाके हमें वन वन टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो इंक्रीज हमें केवल मिड में करना है इधर साइड भी और इधर साइड भी। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरी वन टू थ्री फोर फाइव राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। थ्री थर्ड वाली चेन में हमें ले जाके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेनी है। अब इसमें हम ये ग्रीन ऐड करेंगे, तो ग्रीन ऐड करेंगे ऐसे करके हमें लेना है, और यहाँ पे हम पहले लूप बना लेंगे। यूँ देखिए इस तरह से हमने ये लूप बना लिया नॉट लगा के।
अब इसको हमें यहाँ लेकर के इसको हमें येलो वाले को कट कर लेना है, तो हम येलो वाले को कट कर लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन, हमें यहाँ पे वन चेन, टू चेन एंड थ्री चेन लिया और वन चेन एक एक्स्ट्रा लिया, फिर उसी में डालना है और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये डबल क्रोशिया बन गई। अब फिर से हम लूप लेंगे, हुक में ऐसे करके लूप लेना है, लूप लेके वन चेन टू चेन स्किप करेंगे, वन टू स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है और डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें वन चेन बनाएंगे और टू चेन बनाएंगे और फिर से इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से लूप लेंगे, लूप लेके वन स्किप करेंगे, टू स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हमें फिर से वन डबल क्रोशिया बनानी है, फिर वन चेन, फिर उसी में चेन में जाके फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये मेरा वी शेप कितने देखिए ऐसे बन रहा है। फिर हम यहाँ पे मिड में आएंगे और यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार मिड में हम बना लेंगे, फिर वन चेन लेंगे और इसी में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब फिर से देखिए हम वन स्किप करेंगे, टू स्किप करेंगे, थर्ड वाले में फिर से हमें डबल क्रोशिया, वन टाइम डबल क्रोशिया, वन चेन, फिर वन डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। फिर से हम देखिए लूप लेंगे, लूप लेके वन स्किप करेंगे, टू स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, टू निकालेंगे, फिर टू निकालेंगे, फिर वन चेन लेंगे, फिर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है, टू पहले निकालना है फिर टू निकालना है इस तरह से। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड यहाँ तक कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको वन टू थ्री थर्ड वाली चेन में ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये पूरा मेरा सिक्स राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें लीव्स बनाने हैं। तो पहले हम देखिए ये जो वी शेप है इसके मिड में जाएंगे और यहाँ पे हमें पहले स्लिप स्टिच करनी है और स्लिप स्टिच करने के बाद हम लूप लेंगे और ये वाली जो क्रोशिया है, ये वाली जो दिख रही है आपको, इसको हमें ऐसे करके यूँ पकड़ना है, ठीक है। पकड़ने के बाद यहाँ पे हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड फोर टाइम, फोर टाइम बना लिया। फोर टाइम बनाने के बाद अब हमें ये जो मिड में जहाँ पे हमने ये देखिए क्रोशिया हमने दोनों बनाई थी, ये देखिए जो ये वी शेप में बनता है, तो यहाँ मिड में जो आ रहा है यहाँ पे अब हमें ऐसे हम यूँ पकड़ेंगे, ठीक है, ये ऐसे है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे अब हमें लूप में ऐसे करके टू डबल क्रोशिया बनानी है, वन डबल क्रोशिया एंड टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हम जो ये वी शेप का सेकंड वाला ये डबल क्रोशिया है इसको पिक करेंगे, तो हमें ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से है और इसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे और यहाँ पे अब हमें इस तरह से डबल क्रोशिया फोर टाइम बना लेंगे, वन टू थ्री
एंड फोर। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लीव्स आई है। अब हमें क्या करना है, ये जो वी शेप है इसमें ले जा कर के हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेनी है। ठीक है, अब हम ये जो मिड में हमने बनाया है, ये मिड में है, यहाँ पे हमें आना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। मिड में आएंगे, इसको पिक करेंगे सबसे पहले और ये हम अपने कपड़े को ऐसे वर्क को यूं पकड़ेंगे और यहाँ पे अब हमें डबल क्रोशिया फोर टाइम बनानी है, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम एंड फोर टाइम। फोर टाइम बना लिया। फोर टाइम बनाने के बाद अब देखिए हमें ये जो होल दिख रहा है इसको हमें लूप लेंगे और इसको हमें ऐसे पकड़ना है, होल में ऐसे डालना है और यहाँ पे अब हमें टू टाइम बनाना है, वन डबल क्रोशिया एंड टू डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से हम ये ऐसे डबल क्रोशिया ऐसे पिक करेंगे, ये साइड वाली डबल क्रोशिया पिक करनी है, लूप लेंगे और यहाँ पे अब हमें फिर से डबल क्रोशिया फोर टाइम बना लेंगे, वन। तो देखिए हम ऐसे करके डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, तो वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया एंड फोर डबल क्रोशिया। फोर डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें ये जो वी शेप है इसमें ले जाके बस हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल आएंगे, ये लीव्स देखिए इस तरह से ये कंप्लीट होगी और फिर से हम अब यहाँ पे हमें नहीं बनाना है, ठीक है, हमें जस्ट बगल वाले में बनाना है। एक बार हमें इसमें पूरी लीव जो हमारी लीव्स है उसको बनाएंगे और दूसरे वाले में ले जाके ज्वाइन करेंगे, फिर लीव्स बनाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। फिर से देखिए हम इस वाले को पिक करना है, तो हम ऐसे करके यूं पकड़ेंगे अपने वर्क को और यहाँ पे अब हमें फोर डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया फोर डबल क्रोशिया बना लिया करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे, वन टू, फिर डबल क्रोशिया हमें इस वाले को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया फोर टाइम बना लेंगे, वन थ्री फोर करने के बाद अब इस वाले जस्ट बगल में आएंगे और यहाँ पे हम लूप लेके इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये मेरे लीव्स कंप्लीट हो गए हैं और इसको ले जाके हमें यहाँ पे जहाँ मिड है यहाँ पे ले जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। कट करके हमें पहले सबसे पहले नॉट लगाना है, देखिए नॉट लगा लिया है। नॉट लगाने के बाद इसको हमें पीछे बैक में ला करके फिर यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और ये हम कट कर लेंगे। तो हमें देखिए हम यहाँ मिड से स्टार्ट कर रहे हैं, तब सबसे पहले हमें लूप लेना है, यूं करके लूप लेंगे
लूप लेने के बाद हमें ये यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हम रोज़ बनाएंगे, तो रोज़ बनाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो देखिए हमने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट चेन लेना है, और एट चेन लेने के बाद एक नाइन लेंगे। अब वन, टू एंड थ्री, थ्री हमें हुक को डालना है, और हुक को डाल करके अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया एंड थ्री टाइम डबल क्रोशिया। तो हमारी लाइन थी, तो अब सेवन में हमने ये बनाया है। फिर सिक्स में आएंगे, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। वन डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे थ्री टाइम। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड थ्री डबल क्रोशिया। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया थ्री टाइम बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड थ्री डबल क्रोशिया। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया थ्री टाइम बना लेंगे। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड थ्री डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से अपने आप ये रोज कंप्लीट हो गया है। अब इसको ले जा करके हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद अब हमें ये देखिए हम यहाँ पे अपने आप ये इस तरह से रोज बन गया है। अब रोज बनने के बाद हमें ये यहाँ पे वन चेन लेंगे, टू चेन लेंगे। सबसे पहले हमें ये देखिए मिड में दोनों लीव्स के मिड में ले जाके हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद फिर से टू चेन लेंगे, वन चेन एंड टू चेन। टू चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे मिड में, ये लीव्स के मिड में आना है, और मिड में आके हमें यहाँ पे होल में जाके ये देखिए होल है, ये होल में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन बना लिया। नाइन बनाने के बाद वन, टू एंड थ्री, थर्ड वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया थ्री टाइम बनानी है। थ्री डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से जस्ट बगल वाली चेन में यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया थ्री टाइम बना लेंगे। वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया एंड थ्री टाइम डबल क्रोशिया। थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से हम जस्ट बगल वाली चेन में आएंगे, यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया थ्री टाइम बनाएंगे। वन, अब देखिए जस्ट बगल में आएंगे, फिर से हम थ्री टाइम बनाएंगे डबल क्रोशिया। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड उसी चेन में थ्री डबल क्रोशिया।
ऐसे ऐसे। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया थ्री टाइम बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया एंड थ्री डबल क्रोशिया। और फिर हम इसी होल में ले जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मेरी ये रोज बिल्कुल बन गया है, देखिए। तो ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करना है, हमें ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और ऐसे करके हमने ये पूरे फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं जैसे आप देख रहे हो। अब हम इसमें यहाँ पे हमें मिड में आना है, लास्ट वाला हम रोज़ बनाएंगे। उसके लिए हम वन चेन टू चेन लेंगे और यहाँ मिड में पहले हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें चेन बनाएंगे, वन चेन टू चेन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक नाइन बना लिया। अब लूप लेंगे और थर्ड वाली चेन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया थ्री टाइम करना है, वन टू एंड थ्री। थ्री करने के बाद जस्ट बगल वाली चेन में जाएंगे, यहाँ पे थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हम थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया एंड थ्री टाइम डबल क्रोशिया। तो देखिए फिर से लूप लेंगे और लूप लेने के बाद हमें ऐसे करके फिर से थ्री टाइम डबल क्रोशिया बना लेनी, वन टाइम टू टाइम एंड थ्री टाइम बनाने के बाद देखिए इस तरह से ये आ गए। अब हम इसको यहाँ पे ले जाके और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे मिड में आएंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे और अब थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ऐसे नॉट लगा दिया है और इसको ले जाके एक बार नॉट लगाएंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हमें देखिए हमें अटैच, अभी देखिए नीडल हमने लिया है, ये वूलन नीडल है, थोड़ी सी देखिए ये ठीक होती है, ये देखिए इस तरह से होती है। अब इसको हमें हम इसमें ऐसे रखेंगे, बस हल्का सा अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से सेट हो जाएगा। जैसे ये उठे उठे फ्लावर हैं, ये हम ऐसे करके
यहाँ पे इसको जब हम टक कर देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से ही बैठा आएगा। ठीक है, आगे लाएंगे मिड में, अब ये पर्ल लेंगे और यहाँ पे हमें अटैच करना है। इस तरह से, ठीक है, तो ये बिल्कुल मिड में आ गया है। ऐसे ही हमें सब अटैच कर लेना है, तो हम यहाँ पे इसको पहले बैक में लाएंगे। यहाँ पे हमें आना है इस वाले पेटल में, और ये हम ऐसे करके सेट कर लेंगे पहले। अब इसमें ही हम ये छोटा सा पर लगा लेंगे, देखिए। पहले फ्रंट पे लाएंगे सुई को, इस तरह से हमें ये पूरी पेटल में हमें ये अटैच कर लेना है पहले यूं करके, और फिर इसमें हम ये पल पिरो लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने पल पिरो दिए हैं। यही आप चाहें तो पैच वाले पल जो आते हैं हाफ कट वाले, वो भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पिरोए हैं और इससे ये वॉश करने में निकलेंगे नहीं, और बहुत प्यारा देखिए पोचो कंप्लीट हुआ है। जैसे आप देख रहे हो इसको हमने फ्रंट में रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने ये पर्ल लगाए हैं, बैक में नहीं लगाए हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है जैसे आप देख रहे हैं। और इसके अगर साइज का आपको कहते हैं, हम जैसे ये हमने 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया है, अगर आप 0 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो मैंने ये चार्ट बनाया है, चार्ट में ज़रा देख लीजिए। 0 नंबर के लिए हमने 12 लिए हैं चेन, 1 एंड 2 नंबर के लड्डू गोपाल के 16 चेन है, 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल के 20 चेन लेनी है, 5 एंड 6 लड्डू गोपाल के लिए 24 चेन लेनी है, और 7 एंड 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 28 चेन लेनी है। तो हम 4 4 हमने ये देखिए इंक्रीज करते जाएंगे, और जितने हमारे लड्डू गोपाल की साइज बढ़ती जाएगी उतने 4 4 हमें चेन इंक्रीज करके हमें ये पोंचों कंप्लीट करना है। आसानी से आप छोटे से बड़े लड्डू गोपाल के लिए ऐसे पोंचों को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।